मैं सच बताऊं, आर अड्डा एक ऐसी जगह है, बहुत लोग बॉम्बे की बहुत सारी जगहों पे पार्टी करने जाते हैं, लेकिन जितना मज़ा मैंने इस जगह पे किया है आई हैवंट हैड इन अ लॉन्ग टाइम, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वापस शुरू हो रहा है, क्योंकि बीच में मैं पास होता था एंड इट वॉज़ अंडर रेनोवेशन, लेकिन मैंने यहाँ पे टेबलों पे नाचा हूँ, मैंने बहुत पागलपंती की है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे दोस्तों ने बोला था तो बस आर अड्डा जाना बंद कर दे बिकॉज बहुत हो गया, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड द फैक्ट दैट गौरव एंड एवरीबडी आर डूइंग इट रिच बॉयज, आई थिंक इट विल बी ग्रेट एंड दे ऑलवेज गेट द बेस्ट क्राउड, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स कम बैक इन टाउन। नया ये है कि 2020 की पहली पार्टी मैं आर अड्डा में आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये साल आर अड्डा में ही जाएगा, बट मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत मस्ती की है एंड आई हैव ऑलवेज हैड अ गुड टाइम, और मुझे याद है लेट तक चलता रहता था, आई होप कि वो भी अभी तक जारी रहे कि हम एटलीस्ट 3-4 बजे तक तो यू नो इट्स ऑन एंड वर्क स्पेस में देर इज अ शॉर्ट फिल्म एंड देर इज समथिंग फॉर द वेब विच आई कांट टॉक अबाउट राइट नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो आई जस्ट कीप इट अंडर रैप्स, बट अदरवाइज पार्टी करते हैं और क्या। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनमें से एक हूँ, मुझे दया आती है जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो देखते हैं और जो उसे रन करते हैं, और अगर मेरे साथ कोई होता वो मुझे ऐसे खींच रहा होता बोलना मत करना ऐसा, आई नेवर लाइक द शो, आई फील आई मीन सीरियसली जस्ट थिंक अब आई डोंट नो हाउ एनीबडी कैन एन्जॉय इट, बट वॉट आई लाइक इज द साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, जो इस इंटरव्यू में नहीं आएगा, जो इससे पहले बोला है वो पक्का आएगा, बट आई थिंक उनके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बड़ा अच्छा वो स्वीडिश ने निकाला था, नॉर्वे या स्वीडन ने, कि आप 4 लोगों को चाहे फैमिली मेम्बर्स को एक साथ कमरे में बंद करो दिल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। जहाँ तक मेरी बात आती है, मैंने एक एपिसोड देखा था संडे का, कुछ मैं चैनल स्विच कर रहा था, खाना खा रहा था, और वहाँ पे लड़ाई इतनी ज़बरदस्त हो रही थी कि मैं टीवी देख देख के मेरा खाना रुक गया था, ये हो क्या रहा है भाई, एक एपिसोड देखा था एंड मन करता है देखने के लिए कि बट नो बट आई एम सॉरी आई डोंट लाइक बिग बॉस एंड आई थिंक इट्स या अब आई हैव वन फ्रेंड एंड आई विल टेक हर नेम एबिगेल पांडे, मैं उसके साथ गोवा गया था, वो बिग बॉस के एपिसोड रिकॉर्ड करके गोवा में देखती थी, मैंने कहा तू पागल है, कहती नो इट्स ग्रेट फन, सो व्हाट शी टोल्ड मी और जो उसने मुझे समझाया था, कहती इस वक्त जो बिग बॉस में हो रहा है सिद्धार्थ एबिगेल पांडे मेरी फ्रेंड है, तो वो बिग बॉस की एपिसोड रिकॉर्ड करती है सुबह देखती है, तो वो मुझे कहती देयर इज वन सिद्धार्थ शुक्ला, उसको ही इज़ लाइक अ वन मैन आर्मी फाइटिंग अगेंस्ट एवरीबडी, मैंने वो देखा था एंड आई सीन दैट वन संडे एपिसोड जिसमें सलमान खान भी कहता मैं ये एपिसोड छोड़ के जा रहा हूँ, मैं भी सोचता एपिसोड छोड़ के चले जाता हूँ, बट आई डोंट नो पीपल हु लाइक बिग बॉस, ग्रेट फॉर यू, इट्स एंटरटेनमेंट, मैं तो नेटफ्लिक्स अमेजॉन देखता हूँ, बट आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला इज अपेरेंटली लाइक स्टैंडिंग अप फॉर हिमसेल्फ एंड अगेंस्ट एवरीबडी, सो हैट्स ऑफ टू हिम। निविता जॉइनिंग हर ब्रदर, दैट्स नेवी माय सिस्टर, यू शुड आस्क हर, शी विल टेल यू ऑल द रियल गॉसिप, हैव यू बीन वाचिंग बिग बॉस? नो, वी आर द काइंड ऑफ पीपल हु डोंट वॉच बिग बॉस। About Big Boss. मैंने तो गलती से बोल दिया, I feel pity for the people who make it. मेरा दोस्त है उसमें सिद्धार्थ, मेरे को पूरे टाइम मेरे को मेरे घर वाले लोग ही पूछते रहते, वो इतना लड़ाका था, इतना था ऐसे, हां लड़ता तो है बट आई डोंट नो हाउ व्हाट एक्सटेंट हैज ही गॉन टू देयर, सो गेलू वॉचेस इट एट 6:30 इन द मॉर्निंग, हां बट वो ही तो मुद्दा है, जो लड़ेगा वो रुकेगा। बायस्ड उसके लिए होगा जिसकी तरफ टीआरपी आएगी। आई थिंक वही है ना, एनीवन हु क्रिएट्स कंटेंट। अपेरेंटली इस बार का बिग बॉस आई थिंक सबसे हाईएस्ट रेटेड है, जो यू डोंट इवन नो दैट। आई डोंट बिकॉज़ एवरीवन इज गिविंग मसाला। शुक्र है टीवी पे टीआरपी आ रही है किसी चीज में। वेरी गुड। सिद्धार्थ नहीं, अपेरेंटली सब लोग कोई और भी नाम लेते रहते हैं, उन लोग शहनाज और एक और लड़का है जो स्टाइल सा है ऐसे। Siddharth Shukla I know, Rashmi, both of these people I know. So I'm best of luck to both of them. We have to hold the camera and इनसे सारा gossip ले ले, तो इनको ज़्यादा पता है। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मैं तो पता नहीं क्या बोल। देखो भाई, जो लोग Big Boss देखते हैं, very good, मुझे भी information दे देना, sorry for what I said, वो काट देना। Thank you so much guys, lots of love. Come, Nivi, I'll meet you upstairs. Okay. अरे ये party animal है, party animal, party mommy. नहीं नहीं, गौरव और मैं एक्चुअली 20 साल पहले जाते हैं और मेरे को बहुत खुशी हुई है कि फ्रॉम वेयर टू वेयर वी रीच, आई थिंक आई वाज आल्सो नोबडी व्हेन आई स्टार्टेड, और वो भी नॉर्मल डैड के साथ काम कर रहा था, और अभी मैं देखती हूँ तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड यूथ प्लेसेस इन बॉम्बे, एटलीस्ट इन द सबर्ब्स,
तो काफ़ी एक्साइटेड है उसके रीओपनिंग पे एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट।